अबे और रमेश, उठ, ये सोने का समय। सर आप, अबे आपके बच्चे तो जो सोने के पैसे मिलते काम करने के। सर वो मैं चुप, सोसाइटी का गार्ड है ना तू, सोसाइटी में कौन आएगा जाएगा उसकी देखरेख, उसकी देखने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है क्या? सर वो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा तबीयत खराब, क्या हो गया तेरी तबीयत को? पेट में थोड़ी दिक्कत है और चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े। ये तू किसी और को बताना, ये बहाने मैंने बहुत सुने तेरे, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अबे सब आराम करने के बहाने हैं, जब तेरे को आराम ही करना है तो घर में बैठना, घर से बाहर ही क्यों निकलता नौकरी करने के लिए? सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अबे तेरा नाटक मैंने बहुत सुना है, ये सब बीमारियों के बहाने बनाता है ना तू, सब जानता हूँ मैं। तेरा बहुत हो गया है, तू निकल भाई, मैं किसी और को बुला लूंगा तेरी जगह, तेरे को कहीं और नौकरी करनी तो वहां कर लेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगा सर? तो मुझे क्या मालूम कहाँ जाएगा, जहाँ तुझे जाना जा, यहाँ नहीं काम करेगा तू, बोल दिया। सर सर मेरी बात तो सुनिए, सर सर पता नहीं क्या बीमारी का बहाना बना बना के आराम करते नाट साहब। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं, ये गार्ड एक नंबर का कामचोर आदमी है, बीमारी का बहाना बन के आराम करते हैं भाई साहब, किसी काम के नहीं है ये। पर अब क्या हो गया? अरे मुझे क्या मालूम क्या हो गया, एक दिन बोल रहा था कि बुखार हो गया है, तबीयत बहुत खराब है साहब, आराम करने दो, आज इनके पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, एक नंबर का कामचोर आदमी है, बहाने बना रहा है। कहाँ ले जा रही हो? चलो ना। अब यहाँ क्यों ले आई? विजय, वो गार्ड पूरा दिन इसी चेयर पर बैठकर काम करता है ना? हाँ तो? यहाँ पे कोई पूरा दिन कैसे काम कर सकता है? ऊपर धूप देखो, कितनी तेज। तुम तो ठीक से ऊपर देख भी नहीं पा रहे, और मुझे बताओ इतनी धूप में कोई बिना कूलर या पंखे के यहाँ पर कैसे बैठ सकता है पूरा दिन? तुम घर में बिना एसी के एक मिनट नहीं रहते, और उस गार्ड से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो इतनी गर्मी में पूरा दिन यहाँ काम करे? और इतनी गर्मी में कोई काम करेगा तो बीमार ही पड़ेगा ना, और उस गार्ड का बीमार होना तुम्हें बहाना लग रहा है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो कामचोर नहीं है विजय, इंसान है, और कोई भी इंसान इतनी धूप में 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। पूरा दिन काम करना तो दूर की बात है, अगर तुम्हें उसके काम ना करने से दिक्कत है ना, तो इतनी गर्मी में उसे काम करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करो, वरना वो तो क्या, 1000 गार्ड भी आ जाएंगे ना, वो भी ऐसे ही बीमार पड़ेंगे। वैसे कह तो तुम सही रही हो, मैं कुछ करता हूं। जी सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया तो उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बताइए सर। आज से तू यहाँ बैठकर अपना काम करेगा। यहाँ सर ये कूलर मेरे लिए। हाँ ये कूलर तेरे लिए, आज से तू यहीं बैठ, लोगों को आते जाते यहीं से देख, आराम से काम कर। सच में सर? और क्या, अब तुझे धूप में जाने की जरूरत नहीं है, कूलर की हवा ले और अपना काम कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आजकल हम जैसे गरीबों के लिए कौन ही इतना सोचता है, पर आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ठीक है ठीक। और सर अब आप देखना, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और यहाँ पे मन लगा के काम करूंगा। लेकिन मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ, आज सुबह के मैंने सच में तुझसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। कोई बात नहीं सर, आप इतना मत सोचिए, तू बैठ आराम से, मैं जाता हूँ।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.